वेल हेलो हेलो हेलो, वेलकम बैक टू अनदर एनिमे सजेशंस, ए के असुरा सजेशंस दोस्तों. सो वी आर बैक. तो आज हम लोग कुछ अनोखा करने वाले हैं, जो कि है आज मैं जैपनीज एनिमे का मैं यू नो तुम लोग का सजेशन लेके नहीं आया हूँ. ये एक चाइनीज़ एनिमे है दोस्तों, जो कि चाइना और जापान के दोनों स्टूडियोज़ के कोलैबोरेशन के साथ बाहर आया था 2016 में दोस्तों. एंड हाँ, मैं बात कर रहा हूँ हितोरी नो शीता. ऑलराइट, हितोरी नो शीता ए के ए अंडर 1%. ओके, तो हितोरी नो शीता दी आउटकास्ट करके है उसका नाम. सो तुम लोग वो भी दबा सकते हो या फिर तुम लोग अंडर 1% दबा सकते हो अगर तुम लोग को डब चाहिए. बट मैं जहाँ तक मैं ये करूँगा, ये एक चाइनीज़ ये है वर्शन है, तो या उसमें ही देखिए, क्योंकि तुम लोग को थोड़ा बहुत यू नो आदत होगा, क्योंकि चाइनीज़ के जो एनिमेशन रहते हैं भाई बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही अमेजिंग रहते हैं. सो प्लीज़ डू वॉच दिस एनिमे अगर तुम लोगों ने अभी तक देखा नहीं हो तो. सो यह एनिमे 2016 सितंबर 24th को रिलीज़ हुआ था. इसके पब्लिशर्स है कोई और नहीं दोस्तों, टेंसेंट, यप, जो पबजी ये सब तुम लोग खेलते हो, यप, वही लोग हैं जिन्होंने इसका पब्लिशिंग किया था. तो ये स्टार्टिंग में स्टार्ट हुआ था एक वेब कॉमिक के तरह, उसके बाद बहुत ही ज़्यादा वेब कॉमिक जो है हिट हो गया. उसके बाद उन लोग ने एनिमेशन में निकाला, भाई बहुत ही मज़ेदार एनिमेशन है. तो ये कौन सा एनिमेशन है, मतलब किसके ऊपर है, उसके बारे में अभी मैं बताता हूँ लोगों को दोस्तों. बट इससे पहले मैं और अंदर जाऊं, मेक श्योर टू ड्रॉप ए लाइक. यार लाइक्स मिलेंगे, व्यूज मिलेंगे, तभी तो मैं ये सजेशंस का आगे बढ़ा पाऊंगा, तुम लोग का नए नए एनिमे सजेशंस दे पाऊंगा. एंड आई थिंक ये एनिमे तुम लोगों ने देखा नहीं होगा मोस्टली, क्योंकि ये जैपनीज नहीं, ये एक चाइनीज एनिमे है, तो चाइनीज शायद ही तुम लोग देखते होंगे. बट आई रियली रियली सजेस्ट यू टू गो अहेड एंड वॉच दिस एनिमे दोस्तों. तो इसका क्या है, कॉन्सेप्ट क्या है, ये सब मैं बताऊंगा तुम लोग को दोस्तों अभी. सो यप, तो इसमें प्रोटैगनिस्ट का नाम है चौ सोरान. यप, चौ सोरान है उसका नाम. एंड वो एक नॉर्मल कॉलेज स्टूडेंट है, नॉर्मली जब कॉलेज जाता है वो सब करता है. तो एक दिन अपने ग्रैंडफादर का यू नो ग्रेव देखने के लिए, मतलब अपना ग्रैंडफादर, मतलब उसके मम्मी पापा से ज़्यादा वो अपने ग्रैंडफादर के पास ही पला बड़ा है. तो जब उनका देहांत का दिन, लाइक वो दिन रहता है ना, तो वो एवरी ईयर जाता है. तो वो गया अपने ग्रैंडफादर के ग्रेव के पास, जो कि दूसरे विलेज में होता है. और वहाँ पे एक बहुत ही टेरेबल इंसिडेंट होता है, जो कि है वहाँ पे वो जाता है तो वो ग्रेवयार्ड में एकदम से उसके ऊपर ज़ॉम्बीज अटैक कर देते हैं. और वो तो पैनिक ही हो जाता है, यार ज़ॉम्बीज क्या अटैक कर रहे हैं हमारे ऊपर, ये कुछ समझ में नहीं आ रहा करके. तब उसको एक लड़की ने बचाया, एक नो किचन नाइफ रहता है उसके पास, वो लेके उसने ज़ॉम्बीज को कॉन्फ्रॉन्ट किया और उनको हराया और चौ सोरान को वहाँ से बचाया. ऑलराइट, यहाँ तक तो ठीक लग रहा है तुम लोग का, लाइक ज़ॉम्बीज़ का एनिमेशन है क्या करके तुम लोग का लग रहा होगा. एब्सोल्युटली नॉट. ये भाई मैं बोल रहा हूँ, ये रेस 3, 4, 5 जो भी जितने भी आएंगे उससे भी ज़्यादा ट्विस्टेड एनिमे है ये, सच बोल रहा हूँ. बट इतने अच्छा, लाइक अच्छे ट्विस्ट है, लाइक ऐसा नहीं है कि भाई तुम लोग का दिमाग ख़राब हो जाएगा. आई वुड रियली 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 सजेस्ट यू, अगर तुम लोगों ने देखा नहीं तो प्लीज़ गो अहेड वॉच दिस. ऑफकोर्स मैं ये वीडियो बनाता हूँ ताकि तुम लोग का सजेस्ट करूँ और ये बोल पाओ कि प्लीज़ गो अहेड वॉच दिस. तो ये उसके बाद क्या होता है, आफ्टर वो ज़ॉम्बीज को वो ये कर देती है, वो लड़की इसके पीछे पड़ जाती है कि इसको मारने के पीछे पड़ जाती है. और वहाँ पे यप, वो लड़की का नाम है फू हो हो. यप, हो हो एक्चुअली नो, ये पोकेमोन नहीं है, लड़की है, लड़की है या लड़की ही है, जो कि थोड़ा बहुत यू नो एंटी सोशल टाइप की किस्म की लड़की है. तो या उसके वजह से अपने प्रोटैगनिस्ट को बहुत सारे इश्यूज होते हैं. क्या करती है, वो ज़ॉम्बीज के पास छोड़ के चले जाती है उसको, लास्ट में थोड़े बहुत ज़ॉम्बीज को हराती है, उसके बाद थोड़े ज़ॉम्बीज को छोड़ के चले जाती है, ताकि आई डोंट नो क्या करना चाहती है, बट उसको छोड़ देती है वहाँ पे, और वो कैसे भी करके वहाँ पे बच के निकलता है. तो
एक्चुअली क्या हो रहा है यहाँ पे, ये लड़की कौन है, ये जॉम्बीज कौन है, ये सब तो मैं एक्सप्लेन नहीं करूँगा, लेकिन अपने हीरो को बाद में पता चलता है चो सोरान को कि उसके ग्रैंडफादर जो है एक लेजेंडरी कुंफू फाइटर है, एंड यप चो सोरान ने भी कुंफू सीखा है। यप ये जुजुत्सु काइसेन जैसे तुम लोग का लगेगा, लेकिन उससे भी लाइक बहुत ही ज़्यादा इसमें फाइटिंग में तुम लोग को बहुत ही ज़्यादा मज़ा आएगा। मैं ऐसे नहीं बोलूँगा कि जुजुत्सु से भाई बहुत ही अच्छा है, लेकिन फाइटिंग अगर देखा जाए तो इसमें बहुत ही अच्छा फाइटिंग, लाइक एक्शन सीन्स बहुत ही अच्छा दिखाया गया है। तो क्या है, क्यों तो इसके पीछे कुछ बंदे पड़ जाते हैं, जॉम्बीज के बाद और भी कोई बंदे आते हैं अटैक करने आ जाते हैं, फू हो कौन है ये सब क्या है, वो ये कन्फ्यूजन में रहता है। तब उसको ये चीज़ पता चलता है कि उसके ग्रैंडफादर कुछ एक लेजेंडरी ग्रुप से बिलोंग करते थे, और जो इसको कुंफू उसके ग्रैंडफादर ने सिखाया है वो उसका नाम है किटेगेन बोल सकते हो या फिर किटेजेन बोल सकते हो। तो ये कुंफू मार्शल आर्ट्स क्या चीज़ है, तो ये जो है इसने जो टेक्निक सीखा है सो वो बाकी जो कुंफू के ग्रुप्स हो या फिर या ग्रुप्स ही बोल सकते हैं या फिर मॉब्स हो, डॉन लोग हो जो कुंफू में बहुत ही माहिर लोग हैं, जैसे कि तुम लोग को पता है चाइनीज़ और जापनीज़ में ग्रुप्स रहते हैं जो ना हेड्स उसके नीचे और दूसरे ग्रुप उसके हेड्स, तो वैसे लोग रहते हैं जिनको ये किटेगेन चाहिए। तो ये किटेगेन जो है बहुत ही बहुत ही ऑसम है या फिर ऐसा कुछ है कि बहुत ही पावरफुल है, तो इसको उन लोग सब लोग गेन करके अपने लिए यूज़ करने का कोशिश करने के लिए इसके पीछे पड़ जाते हैं। तो इसका जर्नी वहाँ से स्टार्ट होता है कि भाई ये क्या है, मेरा ग्रैंडफादर असली में थे कौन, मेरे को ये कुंफू क्यों सिखाया गया है, और फू हो है कौन, या फू हो के बारे में भी बहुत कुछ रहता है दोस्तों इसमें एकदम। यार ये है तो कुंफू, लेकिन इसमें पावर्स वो सब लाइक ओवर पावर एनिमे तो नहीं बोलूँगा मैं, बट पावर्स वो सब भी रहते हैं, जैसे कि जुजुत्सु काइसेन में उन लोग वो इतादोरी यूजी जो अपना ब्लैक वो ऑरा वाला पावर यूज़ करता है, या फिर दूसरे वो डॉग वो यूज़ करता है, गोजो अपने आँखों का ये यूज़ करता है, उतना ज़्यादा तो नहीं है, लेकिन डेफिनेटली देर इज़ ऑरा और वो सब के सब कुछ है, इतना ज़्यादा नहीं है करके मैं नहीं बोलूँगा, एक्चुअली मैं कुछ भी नहीं बोलूँगा, पावर यूजिंग है उसके साथ साथ कुंफू फाइटिंग भी है। सो ओवरऑल इट्स एंड फ्रिकिंग ग्रेट एनिमे दोस्तों। तो इसके टोटल सीजन वन में इसके 36 एपिसोड्स है या, और ये तुम लोग क्रंची रोल में देख सकते हो, मैं अभी तक किसी का भी लाइक कहाँ पे देख सकते हो नहीं बोला, आई एम रियली सॉरी, तुम लोग कन्फ्यूज होते रहोगे, बट या तुम लोग जहाँ पे भी देखते हो एनिमे वहाँ पे वो साइट में मिल जाना चाहिए। सो या तो ये है क्रंची रोल में मिल जाएगा तुम लोग का, एक एपिसोड में 36 एपिसोड्स है या फिर पूरा मिला के 36 एपिसोड्स है याद नहीं है मेरे को, लेकिन तीन सीजन्स है इसके, पहले दो सीजन्स तुम लोग को जापनीज़ में मिल जाएंगे और तीसरा सीजन तुम लोग का चाइनीज़ में देखना पड़ेगा, या ये थोड़ा बहुत ये हो गया था उन लोगों ने, फाइनल सीज़न को उन लोगों ने डब नहीं किया जापनीज़ में, सो या दैट्स दैट। सो और अगर इसका रेटिंग के हिसाब से जाए तो इसको IMDB में 7.2 रेटिंग्स मिला है, जो कि बिल्कुल ही कम नहीं है दोस्तों, बिकॉज बोला जाता है कि 7 से ज़्यादा रेटिंग मिलने वाले एनिमेज बहुत ही ऑसम रहते हैं। सो या तो इसमें कुंफू है, उसके साथ साथ पावर्स है, उसके साथ साथ स्टोरी है, उसके साथ साथ ट्विस्ट है, उसके साथ साथ फैंटेसी है, सब कुछ है दोस्तों। सो इसका अगर अपना कैटेगराइज करें तो हम लोग इसको कैटेगरी हम लोग दे सकते हैं जॉनर, इन द सेंस कैटेगरी के हिसाब से, मतलब जॉनर जो बोलते हैं, जॉनर बोलना है तो ये होगा तुम लोग के लिए फैंटेसी, एक्शन और कॉमेडी, या कॉमेडी भी बहुत है दोस्तों इसमें, और एज यूजुअल मैं फिर से नहीं बताऊँगा, लेकिन फिर भी मैं मेंशन कर लेता हूँ कि ये एची नहीं है दोस्तों। एची का मतलब क्या है, कुछ लोगों ने पूछा था, एची का मतलब वो है जो 18 प्लस के कॉन्टेंट रहते हैं, या फिर सेंसर भी कर दिया जाए फिर भी वो 18 प्लस का कॉन्टेंट ही होता है, तो या वो सारे कॉन्टेंट नहीं है इसमें। सो शायद एक सीन ऐसा कुछ होता है, लेकिन उसमें भी कुछ दिखाया नहीं जाता है अपन को, बस ऐसे बस वो हीरो का फेस दिखा देते हैं बस, और कुछ नहीं। सो या दैट्स दैट।
तो इसका सीजन 3 जो है 2020 में रिलीज हुआ था, जो कि जैसे कि बोला मैंने चाइनीज में है। आई गेस अभी तक डब हो जाना चाहिए, मैंने वो चाइनीज में है करके देखा नहीं है, लेकिन अब जरूर मैं देखूंगा। अब मैंने खुद सजेशन दे के मैंने खुद नहीं देखा तो बहुत ही बुरा लगेगा। सो या होपफुली, मैंने अभी तक सीजन 3 नहीं देखा है तो आई डोंट नो इन लोगों ने कैसे एंड किया है। अगर एंड नहीं किया तो आई रियली होप कि इन लोग 2021 में जरूर इसको लेके आए दूसरा वाला। आई मीन 2021 एंड हो रहा है तो 2022 में शायद एंड हो गया होगा करके ही मेरे को लगता है। सो या सो डेफिनेटली गो अहेड वॉच दिस एक्शन एनिमे सीरीज दोस्तों, बहुत ही मजा आएगा तुम लोग को। बहुत ही कॉमेडी है, बहुत ही एक्शन है, बहुत ही फैंटेसी है, बहुत सारे चीज़ें हैं यार इसमें कुल मिला के। सो प्लीज़ गो अहेड वॉच इट, आई रियली सजेस्ट इट। चाइनीज एनिमेज भी बहुत ही मज़ेदार रहते हैं दोस्तों। एंड या दैट इज़ इट फॉर टुडे गाइस, आज का मैं ये सजेशन यहीं पे एंड करता हूँ। हितोरी नो शीटो जाके प्लीज़ वॉच करिए। एंड या मेरे को पता है मैं यू नो उसको मैं एक्सप्लेन मतलब उसके जो नाम है मैं ठीक से नहीं बताया, बट स्टिल गो अहेड वॉच इट दोस्तों। और हाँ, मैंने एज यूजुअल जैसे कि मैंने बताया, मैंने सिर्फ प्लॉट बताया कि एनिमे में क्या होने वाला है। इसमें सस्पेंस बहुत सारे हैं, इसका मेन मैंने स्पॉयलर वॉयलर कुछ भी नहीं दिया है तुम लोगों को। सो प्लीज़ गो अहेड वॉच इट। एंड या दैट इज़ इट फॉर टुडे एंड पीस, रामा लॉगिंग आउट। मेक श्योर टू ड्रॉप ए लाइक एंड सब्सक्राइब दोस्तों।